हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि उन लोगों की हेल्प की जाए जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या एक स्टेबल और बाइज़त तरीके से रोज़गार कमाना चाहते हैं। इनमें लड़कियां भी शामिल हैं, इनमें लड़के भी शामिल हैं। आजकल जिस तरह डिजिटल इरा है, जिस तरह लोग आईटी की तरफ आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मौके हैं आईटी के अंदर काम करने के लिए। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे काम किया है, कर रहे हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, कोडर्स हैं या डेवऑप्स इंजीनियर हैं, सिस्टम इंजीनियर्स हैं, ये उनके लिए ये चैनल नहीं है। वो ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे किसी अच्छे रिक्रूटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हाईली पेड जॉब भी कर सकते हैं। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद ये है कि उन लोगों की हेल्प की जाए जो ज़्यादा स्किलफुल नहीं हैं और जो ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हासिल कर सके, उसके बावजूद बजाय इसके कि छोटी मोटी जॉब करके वो अपना टाइम वेस्ट करें या अपने आप को मुश्किल में डालें, क्यों ना वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएं और ऐसे स्किल सेट को सीखें जिनसे वो अच्छा रोज़गार कमा सकते हों। तो मेरा चैनल बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद उन लोगों की हेल्प करना है जो इस तरह आके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा वो है वर्चुअल असिस्टेंट। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही एक आसान सी जॉब है, बड़ा ही एक आसान सा स्किल सेट है। मैं आपको बताऊं, वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हो तो ये कैरियर आप अपना के तकरीबन 15 से 50 डॉलर की रेंज के अंदर आप फी घंटा अर्न कर सकते हो। 15 से 50 डॉलर पर आवर आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जाहिर है, इस फील्ड में आने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल असिस्टेंट होते कौन हैं, ये क्या करते हैं। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे होते हैं जो वर्चुअली दूर बैठ के रिमोटली आपको असिस्ट करते हैं, किसी बिजनेस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ऑफिस को असिस्ट करते हैं। ईमेल हैंडलिंग के अंदर, उनके जो कॉन्टेंट क्रिएशन है उसके अंदर, उनके डे टू डे टास्क की जो स्केजुलिंग होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करना है या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है और ऐड करना है, ऐसी जिस तरह अमेज़ॉन के स्टोर्स हैं वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे अमेज़ॉन की लिस्टिंग बनानी है, उन लिस्टिंग को अपडेट करना है, कीवर्ड्स की सर्चिंग करनी है, तो ये सारी की सारी जो स्किल सेट हैं ये वर्चुअल असिस्टेंट के स्कोप के अंदर आते हैं। ये करने के लिए आपको सिर्फ अपने आप को 2 से 3 महीने प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे इन चीज़ों को एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत ही अच्छे ओरिएटर होते हैं और इसके साथ साथ टाइम स्केजुलिंग और इसके साथ उनकी जो डिसिप्लिन है वो एक ज़बरदस्त एक अपने लेवल की एक चीज़ होनी चाहिए कि डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और इसके साथ प्रोफेशनलिज्म, ये वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही यही है, उसके स्किल सेट यही है। अब दूसरी बात कि वर्चुअल असिस्टेंट आप कैसे बन सकते हो, ये बनना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप अपना माइंडसेट बनाएं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए आपने क्या करना है। दूसरा, आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, अच्छी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखें या एटलीस्ट राइटिंग में अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ चुके हैं, चैट जीपीटी जिसमें से बहुत ही ज़बरदस्त है, वहाँ जाके आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है तो पहले अपना एक रॉ सा कंटेंट बना लें, चैट जीपीटी से कहें कि आपको एक प्रोफेशनल फॉर्मेटेड ईमेल बना के दे, वो आपको दे देगा, वहाँ से आप वो ईमेल आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके साथ जो सबसे ज़रूरी है, आपकी वर्क प्लेस बेहतर होनी चाहिए। कभी भी फैमिली के अंदर बैठ के, शोर के अंदर बैठ के, रश के एनवायरनमेंट में बैठ के कोई ऑनलाइन काम तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। बाकी कामों का मुझे नहीं पता, अगर आपका कंफर्टेबल वर्क प्लेस नहीं है तो आप कोई भी ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। तो अपनी वर्क प्लेस को बेहतर बनाएं, अपना एक अच्छा सा कंप्यूटर या लैपटॉप लें, अपने इंटरनेट की स्पीड को बेहतर बनाएं और मीटिंग्स के लिए आपका माइक, आपकी वॉइस, आपकी जो हेयरिंग एड्स हैं, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइबर के ऊपर, अपवर्क वगैरह के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे अच्छे तरीके से अपने स्किल सेट को डिस्क्राइब करें, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी सी लगाएं और इसके साथ वर्चुअल असिस्टेंट की जितनी भी इन डिमांड जॉब्स हैं वहाँ पे आप अप्लाई करना शुरू कर दें। रिक्वायरमेंट ये है कि डिसिप्लिन के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ अपने आप को कैरी करें और इंशाल्लाह डे बाई डे आप अपने कैरियर के अंदर बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे और एक अच्छी रोज़गार की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।